अभी आप ये देख रहे हैं, ये अमृतसर रेलवे स्टेशन का बाहर का लुक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाया हुआ है। और देख सकते हैं पूरा आपको ऐसा लग रहा होगा जो गोल्डन टेम्पल है, उसके स्वरूप देने की कोशिश करी गई है। अब बात करूँ मैं यहाँ से ऑटो की, तो अगर आप ऑटो करते हैं तो आपको 20 से 30 रुपये चार्ज लेते हैं, जो कि आपको गोल्डन टेम्पल के पास भी छोड़ देते हैं। अब बारी है बस की, बस आपको कहाँ से मिलने वाली है मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। जस्ट आप देख रहे हो, ये है अमृतसर का रेलवे स्टेशन। जैसे आप यहाँ से बाहर आओगे, इसके जस्ट सामने ही आपको फ्री बसेस की सर्विस मिल जाती है, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्डन टेम्पल की तरफ ले जाती है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये बस है, तो आप आराम से फ्री में जा सकते हैं, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है रिक्शे वगैरह को। और ये बस 24 घंटे सेवा उपलब्ध है, देखिए सामने बोर्ड पे लिखा भी हुआ है जो ये सेवा है 24 घंटे उपलब्ध है। तो आप किसी भी टाइम पर आएंगे, चाहे रात में आए दिन में आए, ये बस की सेवा आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हो इस तरह से पूरी सीटें हमारी अंदर की, पूरी इस तरह की सीटें हैं, और उसी साइड 2x2 की, अगर 3x3 की पूरी सीट है बस के अंदर की। फाइनली हमारी बस निकल गई है भाई यहाँ से गोल्डन टेम्पल की तरफ जाने के लिए। गोल्डन टेम्पल के बाहर से ही आपको शेयरिंग ऑटो और बसेस की सर्विस मिल जाती है, जो कि आपको बाघा बॉर्डर लेके जाती है। बात करूं मैं प्राइस की, तो ऑटो वाले और बस का किराया आप मोस्टली आपको सेम मिलने वाला है, 350 में आपको लेके भी जाएंगे और लेके भी आएंगे। तो मेरी सजेशन रहेगी कि यहाँ पे एक पॉप ऑन पॉप ऑफ करके बस सर्विस है, जो कि एक डबल डेकर एयर कंडीशन बस होने वाली है, जिसमें आप चाहें तो बाघा बॉर्डर जा सकते हैं जैसा कि मैं गया, और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऊपर बैठ के खूबसूरत नज़ारे ले सकते हैं। बात करूँ मैं इस बस की टाइमिंग की, तो ये बस आपको यहाँ से 3-3:30 बजे करीब यहाँ से लेके जाती है, और आपको वहाँ बाघा बॉर्डर छोड़ के फिर आप जब पूरा देख के आएंगे शाम के टाइम, और यही बस आपको लेके आने वाली है, ठीक है। अब बात कर लूँ टिकट प्राइस की, तो टिकट प्राइस पर पर्सन 350 रुपये होने वाला है, और पूरी एयर कंडीशन बस होने वाली है, तो ये आपको वहाँ से थोड़ा प्लस पॉइंट्स का होने वाला है। बाकी यहाँ से ऑटोज़ भी जाते हैं, बाकी आप जानते हैं ऑटोज़ में काफ़ी ज़्यादा सवारी होती है, थोड़ा सा बड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ आने को, तो इस बस को डेफिनेटली कर सकते हैं। एसी बस होने वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी होगी भाई। बाकी ये बस खड़ी है हमारी, और अभी 3:30 बजे करीब यहाँ से डिपार्चर लेगी। तो सो गाइस, अभी 3 बज रहे हैं, और 3 बजे हमारी बस निकल चुके है गोल्डन टेम्पल के मंदिर के जस्ट यहाँ से ही, और अब देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है बाघा बॉर्डर तक पहुँचने में। ऊपर बैठ के खूबसूरत नज़ारा लेना ना भूलिएगा, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा। गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बाघा बॉर्डर, और मुझे यहां पहुंचने में पूरा 1 घंटे का टाइम लगा है, और इस लोकेशन पर सब उतार देती है। अब यहां से मैं पैदल जाना है बॉर्डर की तरफ, तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से कैसे क्या आगे होने वाला है और किस तरह की पूरी एंट्री होनी है। बाकी देख सकते हैं सामने पार्किंग एरिया है बहुत बड़ा, और ये खड़ी हमारी बस, और अभी हमारी बस वहाँ से आई है। जस्ट आप देख रहे हैं यहीं से हमें जाना है बाघा बॉर्डर की तरफ के रास्ता जा रहा है ये, और अभी हम देख रहे होंगे आपको वहाँ पाकिस्तान का फ्लैग दिख रहा होगा देखिए। तो ये बॉर्डर है उस साइड पाकिस्तान का, और इस साइड देखिए अपना इंडियन का फ्लैग दिख रहा है, तो ये दोनों बॉर्डर हैं। बाकी अभी हम लाइन लग गए हैं भाई, यहाँ पे जेंट्स की लाइन है, उस साइड लेडीज की लाइन है, और ये एंट्री लाइन है अंदर जाने के लिए। तो भाई सभी मैंने चेक करवा के आ गया हूँ, और अब ये रास्ता आप देख रहे हैं जस्ट सामने से रास्ता जा रहा है, और अपना यहाँ पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और सामने उस स्टेडियम उसी के अंदर हमें जाना है, वहीं पे बैठेंगे और वहीं पे हमें देखने को मिलेगा अपना सेरेमनी, ठीक है। तो बाकी कुछ इस तरह का भी माहौल है देखिए, और अभी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है भाई यहाँ पर। तो अभी आप देख रहे होंगे ये है एंट्री गेट, जहाँ से हमारी अंदर एंट्री होगी, और गेट के बाहर ही इस तरह से देख सकते हैं एक तोफ रखी हुई है इसमें इस तरह से बिल्कुल, और इसके जस्ट सामने देखिए लिखा है आई लव इंडिया, और बाकी सामने देखिए एक छोटा सा हवाई जहाज। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो इंडिया है, और अभी आप देख लीजिए जहाँ से ग्रीन स्टार्ट वायरिंग है उस साइड से सारा पूरा पाकिस्तान का एरिया है वो। तो अभी मैं इतना पास हूँ इस बॉर्डर के।
सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ ऐसे पॉइंट पे जहाँ से आपको दिख रहा हुआ सामने है बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लाइन है BSF की, उस साइड आपको पाकिस्तान है, उस साइड इस साइड इंडिया है। और सेरेमनी होती है शाम के टाइम 6:30-7 बजे के बीच में, वो जस्ट यहीं पे होती है। तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा होता है भाई, उसी को दिखाने के लिए आज मैं लाया हूँ। बाकी देख लीजिए ये पूरा यहाँ का पूरा व्यूज़ है भाई, और ये देख लीजिए पूरा स्टेडियम बना हुआ जहाँ पर लोग बैठे हुए हैं इस सेरेमनी को इन्जॉय, इस सेरेमनी को देखने के लिए। और ये देखिए बाकी जब वो मोमेंट आएगा तो भाई एक अलग ही जोश होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। Yeah.
अभी घड़ी में 7 बज रहे हैं और फाइनली हमारी जो सेरेमनी थी ये सब खत्म हो गई है पूरी और काफ़ी मज़ा आया मेरे को देखने में। बाकी अभी आप देख रहे हैं सारे लोग जा रहे हैं और अभी स्टार्ट देख रहे हैं, ये है इंडिया का बॉर्डर और जस्ट स्टार्ट था, ये है पाकिस्तान का बॉर्डर, यहीं पर हुआ था, काफ़ी मज़ा आया। बाकी अभी पूरा स्टेडियम पूरा खाली होने वाला है तो आधे घंटे एक घंटे करीब शो होता है पूरा, 5 बजे करीब स्टार्ट होता है और 6-7 बजे करीब पूरा शो खत्म हो जाता है। बाकी अभी देख लीजिए सब लोग जा रहे हैं तो चलिए हम भी चलते हैं। फाइनली अभी हम बाघा बॉर्डर से अमृतसर की तरफ जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है और अभी मैं बैठा हूँ ऊपर और ऊपर का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ बाकी और एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। चलिए अब आपसे हम मिलते हैं अमृतसर में। बाकी अब देख लो भाई जाम हो गई है, इस तरह का पूरा व्यूज पॉइंट है और अभी धूप वगैरह नहीं है तो काफ़ी मज़ा आएगा ऊपर सफ़र करने में, दिन में तो काफ़ी ज़्यादा धूप थी जिसकी वजह से अब तो बिल्कुल वेदर काफ़ी अच्छा है। छोटी बड़ी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग होने वाला है वो अमृतसर का ही होने वाला है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर नए चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपकमिंग नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।